हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, जियो ने लॉन्च कर दिया एक नया फ़ोन जो कि है जियो फ़ोन प्राइमा 4G। दोस्तों, सबसे पहले जो जियो फ़ोन लॉन्च हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, और ये जो इस बार जो जियो फ़ोन प्राइमा 4G जो फ़ोन लॉन्च हुआ है, ये जो नया फ़ोन आया है, तो ये फ़ोन भी लगभग उसी तरह का है। कुछ फीचर्स इसमें आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे। तो पहले वाला जो जियो फ़ोन था वो आपको मिलता था 1500 रुपये में, और काफ़ी अच्छा रिचार्ज प्लान भी था। तो वो फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था, बहुत सारे लोगों ने उसको यूज़ किया, बहुत सारे लोगों ने इस फ़ोन को ख़रीदा भी, और आज भी लोग उस फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है जियो ने कई सारे फ़ोन अपने लॉन्च किए हैं। बीच में एक और नया अभी जियो भारत फ़ोन भी लॉन्च किया था, और अब जो है जियो फ़ोन प्राइमा 4G ये नया फ़ोन लॉन्च किया है। इस वाले फ़ोन को लॉन्च करने का कारण यही हो सकता है कि जो सबसे पहले वाला फ़ोन था वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, तो कुछ उसी तरह का ये वाला फ़ोन भी आपको देखने को मिलेगा। इसका डिज़ाइन भी लगभग उसी तरह का है, और इसमें जो आपको फ़ीचर्स मिलने वाले हैं वो भी, वो सारे फ़ीचर्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती है। तो अभी जो है ये फ़ोन आप ले सकते हैं। तो आप ये फ़ोन लेने के लिए ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन लेने के लिए आप अमेज़न की वेबसाइट से भी ले सकते हैं, साथ ही यहाँ पे रिलायंस डिजिटल में भी आप ले सकते हैं, और जियो मार्ट में भी ये फ़ोन अवेलेबल है। तो ऑनलाइन में भी आपको ये फ़ोन मिल जाएगा अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं। तो पहले वाला जो जियो फ़ोन था वो मिल जाता था 1500 रुपये में, लेकिन जो इस बार ये फ़ोन लॉन्च हुआ है इसकी कीमत है 2599 रुपये। तो अगर आप ये फ़ोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पे करने होंगे 2599 रुपये। अगर आप एक जियो फ़ोन पहले भी यूज़ किए हो और आपका जियो फ़ोन अच्छा लगा था, तो अभी भी आप इस फ़ोन को ले सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। और साथ ही अगर आपको एक कीपैड फ़ोन की ज़रूरत थी, आप एक कीपैड फ़ोन लेना चाहते थे, तो ये फ़ोन आप ले सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा फीचर्स के साथ आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी हमने अमेज़ोन पे इस फ़ोन को ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि किस तरह का ये फ़ोन है। तो हमें ये फ़ोन देखने में भी काफ़ी अच्छा लगा है, और यहाँ पर देख सकते हो सामने ही आपको फ़ीचर्स दिखाई दे रहे हैं कि इसमें आपको कौन कौन से फ़ीचर देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हो कि फ़ोन में आपको क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है 1800 mAh की आपको बैटरी मिल जाएगी, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी यहाँ पे लिखा है। 23 लैंग्वेज सपोर्ट करता है ये फ़ोन, 23 लैंग्वेज में आप इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हो। बोल्ड एंड प्रीमियम डिज़ाइन यहाँ पे शो किया हुआ है, एंड स्मूथ परफॉर्मेंस आपको इस फ़ोन में मिलने वाली है। तो कुछ लोगों को लगता था ना कि पहले वाला जो जियो फ़ोन था वो थोड़ा सा हैंग कर रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्मूथ परफॉर्मेंस मिलने वाला है। हो सकता है जियो ने इसको थोड़ा बहुत बेटर कर दिया हो। अभी ये नया फ़ोन लॉन्च हुआ है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस वाले में आपको मेमोरी कार्ड का भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो एक्सपेंडेबल अप टू 128 GB तक की मेमोरी कार्ड आप इसमें लगा सकते हैं। साथ में आप ये देख सकते हो कि LED टॉर्च भी है इसमें, 3.5 mm का हेडफोन जैक भी है, FM रेडियो भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। उसके बाद देख सकते हो कुछ इस तरह का ये डिज़ाइन रहने वाला है इस फ़ोन का। फ़ोन को बैक साइड से देखोगे तो भी आपको ये फ़ोन देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। अब दोस्तों, आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह का ये फ़ोन है। यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है जियो फ़ोन प्राइमा 4G कीपैड फ़ोन विद प्रीमियम डिज़ाइन, YouTube, WhatsApp, जियो TV, जियो सिनेमा, जियो सावन, जियो पे UPI, यहाँ पे ये नया ऐड हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो कॉलिंग, लेड टॉर्च और डिजिटल कैमरा इसमें आपको मिल जाएगा, और ब्लू कलर में, यहाँ पे ये ब्लू कलर में है। हो सकता है इसके और भी कलर आ जाए, बट अभी हमें ब्लू कलर ही देखने को मिला है। यहाँ पे भी ब्लू कलर लिखा है, और साथ में लिखा है लॉक फॉर जियो नेटवर्क। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से चीज़ें मेंशन हैं। तो अगर आपको ये फ़ोन अच्छा लगा और आप लेना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को भी आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। 2599 रुपये पे करके आप ये फ़ोन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि रिलायंस डिजिटल की वेबसाइट पे भी आपको ये फ़ोन मिल जाएगा बिल्कुल सेम प्राइस में, 2599 रुपये में। आप कहीं से भी बाय करो, आपको इसी प्राइस में ये फ़ोन मिलने वाला है। जो चीज़ें इस फ़ोन के बारे में अमेज़न की वेबसाइट पर मेंशन है, वही चीज़ें आपको रिलायंस डिजिटल की वेबसाइट पर भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप कहीं से भी बाय कर सकते हो, और ये फ़ोन जियो मार्ट पर भी अवेलेबल है। तो इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हम फिर किसी और वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, इस फ़ोन को बाय करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप वहां से इस फोन को बाय करते हो तो उससे मेरे चैनल के लिए मुझे थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। आपको इस फोन को खरीदने के लिए 2599 रुपये पे करने होंगे। बाकी जो पहले वाला जो जियो फोन आया था वो 1500 रुपये में मिल जाता था। तो दोस्तों, कमेंट करना अगर आपको ये फोन अच्छा लगा, आप ये फोन लेना चाहते हैं। अगर आपको इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो चाहिए हो तो कमेंट जरूर करना। तो आई होप गाइस आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। धन्यवाद।